हॉटस्पॉट्स वहां भी हैं। एक्सक्लूसिव डेस्क बनाई गई हैं जो साइबर क्राइम को डील करती हैं और बैंकों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है। तो जो सूचनाएं हमें गोल्डन आवर में आ जाती हैं, यानी जैसे आप जानते हैं कि एक्सीडेंट में एक गोल्डन आवर होता है कि एक्सीडेंट हुआ और एक घंटे आधे घंटे में अगर पेशेंट या विक्टिम जो है वो समय पे उसको मेडिकल हेल्प मिल गई तो उसके बचने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साइबर क्राइम्स में भी जैसे ही इंसिडेंट हुआ, अगर वो 1930 पे कॉल करते हैं, और इसमें मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इसको पब्लिसाइज करें कि कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 पे आप फ़ोन करेंगे तो वो हमारे 112 के सेटअप पे जाता है, और 112 का जो हमारा बड़ा जो हमारी ये उसका डायल 112 का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे एक्सक्लूसिव जो 1930 की हेल्प डेस्क है वो तुरंत उसका फॉर्म भर के और कंसर्न बैंक को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, उनका टाई अप है बैकएंड पे और बैंक उसको पेमेंट को स्टॉप कर देते हैं। तो उसका जो आंकड़े पिछले महीने के थे, करीब 2 करोड़ की ऐसी हमारी पेमेंट्स थी जो उनको समय पे रिपोर्ट मिली और उन्होंने तुरंत उसको रोका, और वो करीब 2-2.5 करोड़ रुपए का जो हर महीने का ही आ रहा है। तो उतने जो हमारी ऑफेंसेस हैं उतने पैसे वो तुरंत बचाने में कामयाब रहे, और बाकी जो लॉस हो जाता है उसके लिए हमें अभी बैंकों से और उनके साथ टाई अप करना है, और उसमें I4C है, एक नेशनल लेवल पे एक बड़ी एक बॉडी है जैसे हमारा 112 है, तो I4C वो भी इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे बैंकों को और हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं, फ़ोन कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर्स हैं चारों वो, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनका जो कोऑर्डिनेशन है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बहुत सारे जो थोड़े बड़े गांव हैं जहाँ से 3-4 गांवों के लिए अलग से फिर वो बड़े शहर से आके और वहाँ पे वो उतर के और फिर अपने अपने घरों में या गांव में जाती हैं लड़कियाँ, तो वो भी हॉटस्पॉट्स हैं, तो उनको भी चिन्हित करना और वहाँ भी एक टेक्नोलॉजी की मदद से या फिजिकली उसको सिक्योर करना, वो भी एक प्रायोरिटी का एरिया है और उस पर भी काम करेंगे। अच्छा सुझाव है आपका। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी लेके आना, वीडियोग्राफी सीन ऑफ क्राइम की अच्छे तरीके से हो, सीन ऑफ क्राइम टीम्स हमारे पास हैं पहले से, इनका इक्विपमेंट बेहतर देना, तो उस पर भी हमने काम शुरू किया है। तो ये सारे काम करेंगे, कन्विक्शन रेट बेहतर होगी आई एम श्योर। और जो कुछ मुद्दे हैं जो नेशनल लेवल पे किए जा रहे हैं, जैसे जुडिशरी की जो पेंडेंसी है वो करीब करीब 4.5 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग है। हरियाणा की अगर बात करें तो 10 लाख क्रिमिनल केस आज की तारीख में पेंडिंग है, 5 लाख के करीब दीवानी और 10 लाख क्रिमिनल लोकल कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में मिला के 15 लाख की पेंडेंसी है, जो बहुत अधिक है अभी। तो इस पे हमारा फोकस है, उसमें हमारी अदालतें भी उसको देख रही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका भी बहुत फोकस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबकी सबके सहयोग से ये जो पेंडेंसी है ये इन ड्यू कोर्स भविष्य में काफ़ी कम होने वाली है। इसमें ये एक समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है, और इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉपरेशन की बहुत आवश्यकता होती है। ये जिला स्तर की कुछ हद तक स्टेट लेवल की भी हैं चीज़ें, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें बहुत काम होने की संभावनाएं हैं। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि आपने पढ़ा भी होगा कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये सारे जो हमारे 3-4 स्टेट्स हैं, चाहे दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा और आसपास राजस्थान है, तो ये 3-4 स्टेट्स में है क्योंकि कॉमन गैंग्स हैं इनके, और कॉमन गैंग्स हैं तो इनके लिए NIA का भी एक मेजर फोकस एरिया है। अभी उन्होंने काफ़ी केसेस टेकअप किए हैं, और हमारे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सेंट्रल एजेंसीज, वो भी उनका भी बड़ा फोकस है। और इस पर आपने ध्यान किया होगा कि काफ़ी जो मेजर क्रिमिनल्स हैं उनको डिपोर्टेशन करके यहाँ पे लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर हम लोग भी अपना काम, और उसमें एजेंसियों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, कटिंग अक्रॉस द स्टेट्स और सेंट्रल लेवल पे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनका अभी बन गया है, उनके अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और उन सबसे एक फीडबैक लेने का सिस्टम बनाने का प्रयास हमने शुरू किया है, और
उसमें मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे जो रोहतक जिला है, रोहतक में एसपी साहब ने, एडीजी साहब ने ये सिस्टम उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है और सभी जो भी कंप्लेनेंट्स हमारे पुलिस में शिकायत करते हैं, चाहे वो फिज़िकली आए, एसपी ऑफिस आए, पुलिस स्टेशन में आए, या वो किसी और माध्यम से भी अपनी शिकायत पुलिस विभाग को पुलिस स्टेशन में करते हैं, तो उसके बारे में उसके शिकायत करने के हफ्ते बाद, एक हफ्ते के बाद उनको कॉल करके टेलीफोन पे उनसे फीडबैक ली जा रही है, शुरू कर दिया गया है और इसके अच्छे नतीजे मुझे उम्मीद है कि आएंगे जब हमें हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो लोग हमारे शिकायतकर्ता, उनकी फीडबैक उनकी मिलेगी तो हम अपनी सेवाओं को बेहतर कर पाएंगे। एक बड़ी पहल रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये फैसला हमने किया है कि रोहतक को और एक गुड़गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेफ सिटी कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको प्लान करके और महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने का एक प्रयास इन दो शहरों में करेंगे और स्टेबलाइज होने के बाद फिर बाकी सब जिलों में, बाकी शहरों में उसको रोल आउट किया जाएगा। उसी कड़ी में एक अच्छा काम ये किया है हमारे रोहतक पुलिस ने कि कुछ जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, पुलिस के भी हैं, रेवेन्यू के हैं, दूसरे विभाग हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, रिटायरमेंट के बाद समय भी है उनके पास और वो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं सरकार के साथ, सरकारी एजेंसियों के साथ, पुलिस के साथ, तो ऐसे लोग वॉलंटियर्स जो हैं उनके अनुभव का पूरा फायदा पुलिस को हो और हमारी जो ऐसे जटिल शिकायतें हैं जिनमें कोई लैंड का मसला है तो हमें रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड हमारे तहसीलदार हैं, कोई कानूनगो हैं, तो ऐसे लोगों की एक 15 लोगों को अभी जोड़ा है और उनमें और इजाफा होगा मुझे उम्मीद है, और इन लोगों की मदद से जो जटिल शिकायतें हैं उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा करके उनको सुलझाने का काम शुरू किया जाए।